तो ये देखना, ये नॉन स्टॉप छलांगे मार रही है। ये इसीलिए मेरे को टॉय टॉय ब्रीड ना इसीलिए जबरदस्त लगती है मेरे को। लो जी गाइस, ये आ गया एक बहुत अमेजिंग सरप्राइज जो कि है पूडल के पपीज। यार मैं भी पहली बार लाइव देख रहा हूँ, मतलब फोटो वीडियो में ही देखे मैंने आज तक। तो ये ब्रीड वो ब्रीड है जो बहुत टाइम से लोग सोच रहे हैं कार्तिक आर्यन के पास जो ब्रीड है ना, वो जो हमारे भूल भुलैया वाले हैं। गाइस ये है वो अमेजिंग विशाओं के पपीज। कितने पपीज है पाजी? ये 5 पपीज 5 पपीज। और मेल भी। लो जी गाइस अभी आ गए इनका एक फ्रेंच बुलडॉग। हेलो हेलो हेलो, भागो 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 भागो। ये देखो लेट गई है। यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हालचाल। सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। आवाजें आपको पीछे से सुनी रहेगी। मैं हूँ फिलहाल दिल्ली के पास एक जगह पे, जहाँ पर मैं आया हूँ हमारे भाई के पास, जिनके पास बहुत ज्यादा अमेजिंग ऐसी ऐसी ब्रीड है जो शायद मैंने तो अपने व्लॉग्स में कभी नहीं दिखाई है, या तो मैंने किसी डॉग शो में या किसी इवेंट में मैंने दिखाई होगी, बट आज पर्सनली स्पेशली पूडल और बहुत सारी अमेजिंग ब्रीड्स कवर करने आया हूँ जिनके बारे में आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। सो मेक श्योर टू वॉच पूरा व्लॉग, और भाई की सारी डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लास्ट में आप जाकर वो चेक कर सकते हैं। कैसे हो भाई जी, क्या हाल है जी, कैसे हो? हाँ जी भाई, कैसे हो आप? तो भाई आप प्लीज एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। मेरा नाम है मनीष बाबा, सभी को भाइयों मेरी तरफ से पहले राम राम। और मेरा नाम है मनीष बाबा, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं काफी टाइम से डॉग ब्रीडिंग करा रहा हूँ। ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया आपको डॉग्स रखते हैं? जैसे एज अ पेट आपने सबसे पहले डॉग कब रखा था? ये हमारा तो वैसे तो गॉड गिफ्ट है, हाँ। खानदानी शौक है, मुझे बचपन से शौक था स्ट्रे डॉग के पपीज उठा के घर में लाने के लिए। अभी आप एक लेके भी आए थे, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अभी अडॉप्ट किया था। वो कोई पार्क में बांध के चला गया था उसे, अच्छा उठा लाया। वाह क्या बात है। तो अभी फिलहाल जो है भाई कितना टाइम हो गया डॉग्स को एज ए ब्रीड करते हुए आपने, कितना टाइम हो गया अभी? मुझे हो गए होंगे 15 साल के करीब। 15 साल? और आप कितने हैंगो? मैं 27। अरे भाई क्या बात है, बड़े छोटे टाइम से मुझे मतलब बचपन से ही शौक है। वाह, पहले हम लैब रखते थे। अच्छा हाँ, स्टार्टिंग लैब से हुई थी। उससे भी पहले हमारे पास ग्रे हाउंड होते थे। अच्छा ग्रे हाउंड, क्या बात है। वाह, खानदान में हमेशा से रहे हैं। वाओ यार क्या बात है। तो अभी जो है अभी कौन कौन सी ब्रीड और कितने डॉग्स हैं आपके पास? वैसे तो डॉग मैंने अभी अपने फ्रेंड के पास रख रखे हैं, क्योंकि मैं अपना कैनल एक सेटअप तैयार कर रहा हूँ। वाओ क्या बात है। अभी तो कहाँ पे कितने डॉग्स हैं फिलहाल फिर आपके पास टोटल, मतलब आपका जो आपके हैं चाहे कहीं भी रहते हो? अभी मेरे पास होंगे 30 से 35 डॉग। 30 से 35 डॉग एक ही ब्रीड के? अलग 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 ब्रीड के, सब कंडीशन के अंदर है, सब मैंने अपने फ्रेंड के पास रख रखे हैं अभी जस्ट। वाह, तो अभी मैं एक एक करके जो है सबसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो पहले आप हमारे को यार इन तीनों से एक एक करके इंट्रोड्यूस कराइए। ओके गाइस, तो फिलहाल मैं इससे मिलता हूँ। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मिंकी। मिंकी भाई बहुत अमेजिंग लग रही है। भाई कितने सॉफ्ट हैं, कितने प्यारे बाल हैं। और एग्जैक्ट कौन सी ब्रीड है, क्या इसकी एज है, थोड़ा हमारी ऑडियंस को प्लीज बताओ। ये है टॉय पूडल, वाइट कलर, और इसकी एज है 1.5 ईयर। तो टॉय पुडल में कितने कलर हो रहे हैं मतलब फिलहाल? कलर इसमें होते हैं 4। अच्छा, एक तो व्हाइट होता है, एक एप्रिकोट अभी आपको दिखाएंगे, एप्रिकोट ठीक है, और एक अपना होता है ब्लैक कलर का, एक ग्रे ग्रे कलर का। सही है, तो आपके पास अभी 2 कलर? मेरे पास 2 कलर अवेलेबल है। तो अभी फिलहाल जो है पुडल बहुत कम टाइम से पुडल छोटे आने लगे, पहले तो बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पुडल होते थे ना, तो उनमें और इनमें क्या फर्क है? बस साइज का फर्क है, कुछ और भी फर्क है? साइज का फर्क है, और आप इसे कहीं भी आराम से कैरी कर सकते हो, साथ में गाड़ी में ट्रेवल्स कर सकते हो। बड़े डॉग रखने से थोड़ा सा काटते हैं ये, अग्रेसिव होते हैं? बिल्कुल कूल नेचर, काटते नहीं है। दांत तो इनका लग रहा है मुझे, दांत तो इसके तगड़े हैं, दांत तो इसके तगड़े हैं। चाहको नहीं आज तक कभी किसी डॉग ने काटा? किसे नहीं काटा। चलो इसके बाद में आपने दूसरे वाले को दिखाओ, आप एप्रिकॉट कलर दिखाते हैं। कहता है एप्रिकॉट कलर दिखाते हैं। और अभी हाल ही में मैंने अपने लाइफ के 3 चैंपियन बनाए। 3 चैंपियन है? यस यस। वाह जी वाह गाइस, ये है इंडियन चैंपियन। सही, तो ये देखना ये नॉन स्टॉप छलांगे मार रही है। ये इसीलिए मेरे को टॉय ब्रीड ना इसीलिए जबरदस्त लगती है मेरे को, क्योंकि टॉय ब्रीड ना किसी को बोर नहीं होने देती। मैंने एक चीज नोटिस करी है ना, जो बड़ी ब्रीड होती है वो एक चांस होता है कि डॉग थोड़ा सा लेजी हो जाता है। हाँ लेजी हो जाता है, इंसान बोर भी हो जाता है, बट ये ब्रीड से नहीं। तो यहाँ पर अभी आ चुका है एप्रिकॉट कलर का डॉग, एप्रिकॉट कलर का पूडल। अच्छा इसकी भी ग्रूमिंग की हुई है। वैसे ग्रूमिंग में कितना टाइम लगता है इस ब्रीड की, और ग्रूमिंग कराना क्या जरूरी है इस ब्रीड की, या क्योंकि अगर इसकी ग्रूमिंग नहीं कराओ तो सभी बाल बड़े हो जाएंगे बिल्कुल इतने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी अच्छा लगता है? ग्रूमिंग कराओगे तो देखो यार, आप हम अपने भी तो बाल कटवाते, ना कटवाएंगे तो हम कैसे लगेंगे। तो मतलब एक लुक देने के लिए इसके बाल कटवाए जाते हैं, राइट? इसके तो इसको दिखता है, सब कुछ दिखता है। मेरे को मोस्टली लोग शिट्जू के लिए यही पूछते हैं कि इसको दिखता है कि नहीं दिखता है। वाह, इसकी कितनी एज और क्या नाम है इसका?
इसका नाम सीजर है और ये भी अपना 1.5 साल का ही है। 1.5 साल का, और ये इंडियन चैंपियन बन गया 1.5 साल में। इंडियन चैंपियन, वाह यार क्या बात है, बड़ा स्मार्ट लड़का, स्टड बॉय लग रहा है मुझे। स्टड बॉय वाह जी वाह। और अगले वाला कौन है दिखाओ? अभी दिखाएंगे फेसबुक। फेसबुक, वाह जी वाह क्या बात है। ए लो जी अभी आ गया फेसबुक। तो ये गाइस मैं हर बार बोलता हूँ, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है जो ये डॉग्स के लिए होता है, क्योंकि इसमें डॉग एटलीस्ट खुला है जितना आप इसको स्पेस देना चाहो, और नीचे ग्रीन मैट इनके लिए बड़ा अच्छा है ताकि इनके पैर ना मुड़े। तो अगर आप घर पे कोई ऐसा थोड़ी देर के लिए डॉग को किसी जगह छोड़ना चाहते हो, रेदर देन उसको बांधने से, आप ये सेटअप क्रिएट कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा मेरे को। और साथ ही साथ ये जो टेबल है दैट इज स्पेशली यूज फॉर ग्रूमिंग, है ना, और प्रैक्टिस, दो चीज़ों के लिए, शो की प्रैक्टिस के लिए। तो ये देखो, ये तो लायन लग रहा है पूरा, पीछे से चीता लायन लग रहा है प्रॉपर। वाह कितनी छोटी छोटी लेग्स है इसकी, क्यूट। इसका नाम है फेसबुक। फेसबुक, हेलो फेसबुक, क्या हाल है भाई? वाह जी वाह। ये कितनी एज के है? ये अपना 2 साल की। तो ये सारे बी आई है या इम्पोर्ट है? बी आई, बी आई, ए टू जेड सारे, yes. सारे बी आई है। वाह, आपकी खुद की ब्रीडिंग? यस, खुद की। वाह यार कितने स्मार्ट है। तो इनके यार अभी अपने पास पपीज भी हुए? यस, पपीज भी अपने। वाह जी वाह। तो गाइस अभी दिखाऊंगा मैं आपको पपी। मेरे ख्याल से अब तक किसी ने पूडल के पप्पी नहीं दिखाए होंगे इस क्वालिटी के जो आज हम दिखाने वाले हैं यार। ओह बड़ा अमेजिंग है। तो यार एक चीज़ बताओ, इस पूडल की डाइट क्या रहती है इसकी? डाइट तो ये मानना आपके जितने भी डॉग हैं उन सबसे कम होती है। फिर भी कितने कितनी ग्राम डाइट और कितना खर्चा आ जाता है एक डॉग को अगर हम घर पे रखें तो? एक डॉग को आप फैमिली का जो आप खाते हो वो उसे खिला सकते हो। अच्छा, कुछ भी जैसे जो भी आप लोग यूज करते हो, वेज नॉन वेज, हाँ, घर की चपाती, थोड़ा बहुत डॉग फूड। मैं तो एक डॉग फूड का बैग लेके आता हूँ इनके लिए। मेरे लिए इजीली मेरा इन 3 डॉग्स के अंदर मेरा एक फूड का बैग 10 किलो का 2 महीने चल जाता है। तो मतलब अगर मैं लगा के चलूँ तो एक डॉग का दिन का खर्चा 200-300 रुपया? वो भी ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया वो भी? सही है यार, मतलब कि लो मेंटेनेंस डॉग है, बस इनकी ग्रूमिंग में इनके बालों को ध्यान रखने का सारा समय देना पड़ता है। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ता है ग्रूमिंग पे, और आप इसको टाइम टू टाइम कंघी करें, कॉम करें। लो जी गाइस ये आ गया एक बहुत अमेजिंग सरप्राइज जो कि है पूडल के पपीज। यार मैं भी पहली बार लाइव देख रहा हूँ, पता फोटो वीडियो में ही देखे मैंने आज तक, और इतने ज्यादा मेरे को पता नहीं दोनों। एक तो कलर वैरायटीज बहुत आ गई ना अपने पास। तो ये कौन से डॉग के बच्चे हैं वैसे आपके? ये इंडियन चैंपियन के एक महेंद्र भाई है, उनके डॉग के बच्चे। अच्छा, बाहर के डॉग है कोई? वाह कितना प्यारे, कितने प्यारे वो देख रहा, मुझे तो उसको देख के बड़ा मजा आ रहा है यार। भाई चल, उसकी उसकी मशीन रुकी नहीं रही है। तो इनकी कितनी एज अभी पपीज की भाई? ये अपना 2.5 महीने के हो गए, 2-2 वैक्सीनेशन लगवा दिए डॉक्टर से और वैक्सीनेशन कार्ड। तो मतलब आप वैक्सीन करवा कर देते हो, मतलब कोशिश आप करते हो कि जिस डॉग? कोशिश नहीं, हमेशा ही हमने बच्चा जो भी दिया जिसको भी वो 2 वैक्सीन लगा के ही दी। मतलब एक सर्टेन 2 मंथ के बाद ही आप पपी बाहर देते हो, बहुत अच्छी बात है। और आपकी कोई कंडीशन भी रहती है पपी देने की, किसी किस घर में देना है, या आप किसी को भी रैंडमली ऐसे कोई खरीद नहीं? पैसे नहीं देते, देखा जाता है बंदा कैसा है, केयरिंग करके रखेगा या नहीं रखेगा, क्योंकि बंदे कुछ होते हैं कि शौक के लिए ले लेते हैं फिर इनको रोड थोड़े दिनों के बाद इनको ऐसे ही बांट देते हैं ना किधर उधर, वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं रहती। ये बात तो मेरे को माननी पड़ेगी। तो ये है वाइट कलर में, ओरे ओरे ओरे, और ये है एप्रिकॉट। तो गाइज ये देखो यहाँ पर ये सभी के सभी एक साथ छोड़ दिए, वो हो जो आफत मच रही है ना। अब नेक्स्ट ब्रीड कौन सी दिखा रहे हो भाई हमें आप? अभी बिचौन दिखाएंगे आप लोगों को। बिचौन, सही है यार, वो भी कुछ इसी की तरीके से लॉन्च। यस यस यस, शॉर्ट ब्रीड है राइट, छोटी ब्रीड है। चलो डन, अभी देखते हैं उसके। ओए ओए ओ लो जी गाइस, तो जिस ब्रीड की मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, तो ये ब्रीड वो ब्रीड है जो बहुत टाइम से लोग सोच रहे कार्तिक आर्यन के पास जो ब्रीड है ना, वो जो हमारे भूल भुलैया वाले है, बाकी वो अंदर उसके जो है शॉन के पपीज रहे। ओए टेल्स देख रहे हो उनकी कैसे हिल रही है स्पीड में एक साथ। हाँ अरे अरे, कितने टाइम के पपीज हैं ये? 35 डेज के। 35 डेज के, तो अभी तो बहुत छोटे पपीज हैं। अरे अरे अरे, हाँ कितना खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है। और ये देखना, ओह अरे वाह वाह, इनकी भी ग्रूमिंग तो करते ही है ना, मतलब कटिंग वगैरह भी होती है इनकी, बट अभी नहीं की हुई शायद आपने, है ना। और ये इनसे एक एक करके मिलवाओ यार हमें, और इन पपीज से भी गाइस मैं आपको एक एक करके मिलवाता हूँ। ये वाला पपी मुझे बड़ा प्यारा लगा। ओए 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 ओए, ये देखो लो जी सभी ये पकड़ने के पीछे लगे हुए हैं। तो ये किस कितने एज है इसकी? ये भी 1.5 साल का ही है। हाँ अच्छा, ये एक तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जितने बड़े बाल होते हैं ना उनको थोड़ा उतना मेंटेन करने में दिक्कत, तो मैं मानता हूँ। ये जैसे अब ये इनकी बच्चों की मम्मी है क्या? हाँ वो लग रहा है, क्योंकि वो
बच्चों के साथ रहते हैं अभी ऑलमोस्ट मतलब दो महीने तक तो नला नहीं सकते है ना गाइस। ये है वो अमेजिंग विशाओं के पपीज। कितने पपीज है पाजी? ये 5 पपी 5 पपीज। और मेल फीमेल कितने इनमें से? 4 फीमेल 1 मेल पपी। अले ले 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 ले। ओ भाई कितना ज्यादा प्यार है, कितना ज्यादा प्यार है। वाह जी वाह। हेलो 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 हेलो। अरे 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 अरे। तो यार ये इनकी क्या डाइट रहती है? मतलब ये इनको भी सेम पूडल की तरह ही। और अभी क्या खिला रहे हैं इन पपीज को? ये स्टार्टर खा रहे हैं अभी। स्टार्टर शुरू कर दिया, डॉग फीड शुरू कर दिया इनकी। वाह जी वाह। तो ये देखना इसका जो मुंह है ना, सारा का सारा फीड से लपड़ा हुआ है। ये बच्चे छोटे होते हैं, जब बच्चा होता है ना फिर वो जितने जितने बड़े बाल होते हैं तो ऑब्वियसली उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे थोड़े से नीट ना रहे। बट जब ये बच्चे एक एक करके अपने घरों पे चले जाएंगे है ना, तब क्या होगा? तब एक एक बंदे, एक एक डॉग के लिए 4-4 बंदे होंगे। अभी यहाँ पे 100 डॉग के लिए 4-5 बंदे हैं। लो जी गाइस अभी आ गए इनका एक फ्रेंच बुलडॉग। हेलो हेलो हेलो। ये देखो लेट गई है, ये डर के यहाँ पर लेट गई है। भाई कितना प्यारा फ्रेंच बुलडॉग है, कितना पाला फ्रेंच बुलडॉग है भाई। तू तो कितना पाला, देख ना लेट गई है डर के। अभी मैं थोड़ा सा पीछे आऊँगा ना, ये उठेगी, उठ जाओ। फिर भाग पड़ी। वो देखो उनके साथ पंखे ले रही है। और ये भाई साहब इधर है। तो गाइज ये जो टाइप के केजेस है ना, ये थोड़े टाइम के लिए अच्छे रहते हैं। जैसे अगर थोड़ी देर के लिए डॉग्स वीडियो बनाते हैं उसको बीच में छोड़ दो। बट मैं सबको ये सलाह दूंगा कि ऐसे केजेस में फुल टाइम नहीं रखना चाहिए मैं डॉग को। भाई और ने भी फुल टाइम नहीं रखा हुआ है, जैसे अभी लेकर आए हैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ छोड़ गया। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि केजेस ज़्यादा देर के लिए डॉग्स को मत दो यार। तो ये लो जी ये दो फ्रेंच बुल डॉग है। कितनी एज है इनकी भाई? ये 2 साल की है। 2 साल की है। तो ये किस पर्पज़ के लिए, मतलब इनको भी ब्रीड कर रहे हैं आप क्या? नहीं नहीं अभी तो नहीं किया, बाकी करेंगे अभी बहुत 1-1.5 साल बाद हो। अच्छा तो अभी ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी यार भाई की, कि सभी डॉग्स को सिर्फ ब्रीडिंग के लिए नहीं रखा गया। भाई भाई ऑफ द कैमरा मुझे यही एग्जैक्ट बात बोली थी कि ये जो डॉग्स हैं स्पेशली मतलब फ्रेंच बुल डॉग के साथ इनका अलग प्यार है। तो इन्होंने कहा कि ये मैं अपने घर पे रखता हूँ, बाकी जितने डॉग्स हैं सभी किसी अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्रेंड्स के पास रहते हैं, या जब भी उनके पपीज़ होते हैं वगैरह होते हैं तो उनकी देखभाल के लिए वो अपने घर पर ले आते हैं, या फिर अभी जो सेटअप रेडी कर रहे हैं वहाँ ले जाते हैं। लो जी गाइस हेलो। और इसका नाम क्या है? स्मोकी। स्मोकी स्मोकी। और ये है स्मोकी जी। अरे बड़ी प्यारी है यार। और ये है इसके स्मोकी के। अरे बस 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 बाबा बस। तो ये देख रहे हो कितने प्यारे और ऐसे कितने प्यार से सो रहे हैं। इसमें एक तो ये है कॉपर कलर के, बाकी ब्लैक एंड वाइट है, सभी अलग अलग कलर के। और ये इनकी मम्मा है। इनकी आप बता रहे थे क्या स्टोरी है कि ये आपके पास नहीं है शुरू से ही? नहीं नहीं मेरी नहीं है। तो ये कैसे, क्या स्टोरी थी बताओ? बचपन में मैंने किसी को दी थी सेल करके, कोई क्लाइंट लेके गया था, अच्छी रिच फैमिली से लेके गए थे गुड़गांव साइड में। और उन्होंने इसको मतलब इतनी बुरी कंडीशन कर दी, कमर भी इतनी सी हो गई थी सूख के। तो लोग ब्रीडर्स को बदनाम करते हैं और यहाँ पे जो रखने वाले हैं वो काम खराब करते हैं। और नाम भैया और जैसे लोग, एसी भी लगा हुआ है वो भी देखा। हाँ ये इधर एसी लगा हुआ है, देखो प्रॉपर इधर एसी लगा हुआ है स्पेशली, और हर एक चीज का ध्यान रख रहे हैं भैया। वाह ये अभी गली में इनके और भी डॉग है, देखो सामने भी डॉग है, बड़ा प्यारा डॉग है। तो आपके एरिया में मुझे लगता है सभी डॉग लवर है यहाँ पे। यार बहुत अच्छा लगा भाई आपसे, थैंक यू सो मच, आप अपने हमें टाइम दिया। तो भाई का जो है इंस्टाग्राम से लेके हर एक चीज़ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी अगली बार जब भी आप कोई और नई ब्रीड लेके आओगे तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो ज़रूर भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बाकी सभी चीज़ों के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। आ जा आ जा आ जा।